मुस्कुराहट, एक तो सीधा का है, दूसरा मुस्कुराहट, तीसरा मुस्कुराहट, चौथा मुस्कुराहट कभी आने पे, अभी आने पे कभी आ देख रहे हैं आप, वो मुस्कुरा देख रहे हैं, आने लगे देख रहे हैं, गरानिया मुस्कुरा, अब ये कोमल नहीं लगा है, अब सागा पानी, इसलिए मधु कौन से बोला मैं, मेरे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन, आज आपके समक्ष द ट्यूटोरियल ऑफ मुस्कुराहट। जी हाँ दोस्तों, 25 फरवरी 2022 को एक मूवी आई है गंगूबाई काठियावाड़ी, उसमें अरिजीत सिंह जी का एक बहुत ही गजब का नगमा राग मधुवंती पर आधारित है, और क्या गजब का गाया ये हम सब जानते हैं, अगर आपने सुना है ये गीत, बहुत अरसों बाद ऐसी कंपोजिशन दोस्तों आजकल के संगीत में आई है, तो ये बहुत ही हम सब रियाजियों के लिए बहुत ही अच्छी बात है, संगीतकारों के लिए बजाने के वास्ते और हम सब गायकों के गाने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, रियाज करने के लिए बहुत ही अच्छा नगमा है। मैं कहूँगा ये एक रियाज मटेरियल है दोस्तों ये गाना, क्योंकि इस गाने में हर एक जगह अरिजीत दा ने जो ली है वो एक वेरिएशन के साथ ली है दोस्तों, बहुत कम गानों में ऐसा होता है। मुझे लगता है कि बंसाली जी ने अरिजीत सिंह को कह दिया था कि ये गाना मैं तेरे पे सौंप रहा हूँ, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, इस कारण से देखिए हर चीज़ इस गाने में आपको अलग मिलेगी। गाना जैसा कि मैंने बताया मधुवंती पर आधारित है, लेकिन हैविंग सेड दैट इस गाने में अन्य रागों की भी छाया आती है, वो मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। मूल रूप से मधुवंती पे आधारित है, ई माइनर दोस्तों इसका पिच है, इसका मतलब तीसरा सफ़ेद, सा ग म प नी सा सा नी ध प म ग रे सा, दिस इज द स्केल ऑफ दिस मेलोडी। मधुवंती दोस्तों दक्षिण भारत संगीत पद्धति का राग है, ताल कैरवा अप्रत्यक्ष रूप से हमें इसमें देखने को मिलती है। संजय लीला जी की आप देखेंगे रचनाओं में कि ताल की प्रत्यक्षता बहुत कम हमको देखने को मिलती है, बीट्स आप देखिए सब कॉन्शियस माइंड में अगर नहीं चल रही है तो बेताला होने का बहुत चांस रहता है। जरूरी जानकारी और देना चाहूँगा, अगर मधुवंती में दोस्तों सा ग म प नी सा, इसका मतलब मधुवंती में अगर मध्यम में शुद्ध कर दूं तो राग हो जाती है पटदीप, ग म प नी सा नी सा द प म ग रे सा, दिस इज राग पटदीप। अब मजे की बात और देखिए, अगर मधुवंती में निषाद में कोमल कर दूं और धैवत को भी वर्जित कर दूं ऑल टुगेदर, मतलब और ऋषभ भी, सा ग म प नी सा सा नी प म ग सा, तो ये राग हो जाती है मधुकोंस। इन तीन रागों का नाम हम ध्यान रखेंगे, मूल रूप से मधुवंती, नी कोमल कर दूं मधुकोंस, माँ को शुद्ध कर दूं तो ये राग पटदीप हो जाती है। सेकंड अंतरे में जब हम चलेंगे दोस्तों तो उसमें मैं आपको बताऊंगा राग किरवानी भी है, तो चार राग है इसमें और मूल रूप से 11 स्वरों का प्रयोग इस रचना में हुआ है दोस्त। मुस्कुराहट को भी आने से मजा आने लगे, यहाँ पे सेवंथ भी बनता है। अब देखिए सागा मापा मधुमंती की चलन आपको ध्यान होगा, रस में उल्फा को निभाए तो निभाए कैसे, अब इससे सिंक्रोनाइज कीजिए क्योंकि राग की चलन ही ऐसी है, सागा पामा मुस्कुराहट को भी आने पे मजा आने लगे। इतनी रचना की नोटेशन देखिए,
सा ग प म प म ग ग रे स नि सा सा ग ग ग सा ग म ग म ग स नि। अब देखिए सा ग म तो सा ग शुद्ध म आ गया, यहां से पटदीप हो गई। मतलब दोनों मध्यम का प्रयोग है, या तो आप मिश्र मधुवंती कहिए या फिर पटदीप का इधर असर कहिए। तो मुस्कुराहट को भी आने पे मजा आने लगे, सा ग प म म प म ग ग रे स नि सा सा ग ग ग स ग म ग म ग स नि। गम को भी इतनी खुशी दो, वो मुस्कुराने लगे। तो नी नी सा नी रे सा नी नी प नी प म ग म प नी सा 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 ग प म प ध प ध नि ध नि ध प म ग रे सा, वो मुस्कुराने लगे। मुस्कुराहट को भी आने पे मजा आने लगे। हर जगह देखिए अलग तरीके से कहिए। अब मुस्कुराहट का अगर मैं विश्लेषण करूं पूरे गाने में, मुस्कुराहट एक तो सीधा का है, दूसरा मुस्कुराहट, तीसरा मुस्कुराहट, चौथा मुस्कुराहट को भी आने पे। अभी आने पे को भी आ, को भी आ, देख रहे हैं आप आने पे मजा। अब आने मजा का बाद वाला एक तो आने है, एक मजा से पहले वाला आने है। मुस्कुराहट को भी आने पे मजा आने, ये दोनों आने अलग अलग तरीके से लिए हैं। इस कारण से ये कंपोजिशन दोस्तों बिना शास्त्रीय संगीत सीखे नहीं आ सकती। अगर आपका गमक का रियाज नहीं है, मुर्कियों का रियाज नहीं है, डेली आप अलंकारों का रियाज नहीं करते हैं, गला तैयार नहीं है, तो आप ये रचना लाइव नहीं गा सकते दोस्तों। कवर बहुत लोग बनाते हैं, वो तो आराम से बना ही लेंगे, भेड़ चाल का जमाना है। देखिए मजा आने लगे। अब देख रहे हैं आप ये हर एक स्वर पे मुर्की, ग ग ग सा ग म ग स नि, गम को भी इतनी खुशी दो, वो मुस्कुराने लगे। मुस्कुराहट को भी आने पे, अब देखो आप मुस्कुराने लगे, ये इसका एक्सप्रेशन देखिए एक बार आप, वो मुस्कुराने लगे। ये राग पटदीप दिखती है हमें क्योंकि शुद्ध मध्यम का प्रयोग है। ग म प नि सा द प तो वो मुस्कुराने लगे। मुस्कुराहट को भी आने पे सा ग प प ध प म ग प नि सा रे नि रे सा नि ध प ग रे सा, ये इसकी नोटेशन हुई। वो मुस्कुरा प म ग वो मुस्कुरा प नि सा रे नि रे सा नि ध प ग रे सा नि ध प ग रे सा, मध्यम का लंघन है। वो मुस्कुरा देख रहे आने लगे, देख रहे गरानिया मुस्कुरा। अब ये कोमल नहीं लगा है, अब सा ग पानी इसलिए मधु कौन से बोला मैं, मुस्कुरा
हट। अब यहाँ कोमल नहीं लगा कि नहीं, सा गा पा नी सा नी पा मा पा मा गा गा रे सा नी सा सा गा 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 सा गा मा गा सा नी गम को भी इत। अब देख रहे इतनी खुशी दो वो मुस्कुराने लगे। तो ये स्थाई है दोस्तों, आई होप आपको समझ आ रही है। अंतरे की तरफ लेके चलता हूँ। उदासियों तले हैं, एक एक स्वर महसूस कीजिए। गा गा रे सा रे सा नी द नी सा सा। गा कोमल चल रहा है दोस्तों, निषाद शुद्ध है, धैवत शुद्ध है, मधुवंती के स्वर है। गा गा रे सा नी द नी सा सा मुस्कुराटे दबी, मधुवंती जागृत है। तो गा गा रे सा पा मा मा, एक बार वापस गाता हूँ। मुदासियों तले है मुस्कुराटे तभी। अब देखिए गंधार शुद्ध होता है यहाँ पर, जहाँ पर मैं कहूँगा मिश्र मधुवंती हो जाती है। जरा से होठ मापा मगरे सारे का, जरा से होठ खेला तुम्हें देखे अभी। तो आप देख रहे हैं मधुवंती का कितना मिश्रित रूप प्रयोग हुआ, और हर एक एक्सप्रेशन को आप महसूस कीजिए। उदासियों तले हैं मुस्कुराटे दबी, अब जरा से हो यहाँ पर पीलू का भी असर दिखता है। नी सा गा रे सा नी पा द मा पा सा रे प गा रे सा रे गा रे सा। तो सरा से होठ खेला तुम्हें देखे अभी, उसको देखो जो तुम्हें जिंदगी। अब सागा मा पा धा मा पा मा पा मा गरे सागा रे गरे सा। तो उसको देखो जो तुम्हें जिंदगी दिखाने लगे। ये एक्सप्रेशन देख रहे हैं, मध्यम शुद्ध है यहाँ पे, पटदीप है। सा म ग म ग सा ग म ग म ग सा नी दिखाने लगे गम को भी इतनी खुशी तो वो मुस्कुराने लगे। अब लगे और मुस्कुराने, ये दो एक्सप्रेशंस देखिए, इसी का ही खेल है दोस्तों। वो मुस्कुराने लगे पसा नी पनी पा मा गा सा। तो वो मुस्कुरा सा गा पा मा पा धा पा धा नी धा नी सा नी सा री सा नी पा सा नी पनी पा मा गा सा। वो मुस्कुराने लगे मुस्कुराहट, लेकिन इस बार कैसे लिए? मुस्कुराहट को भी आने पे, समझ रहे हैं दोस्तों? कितनी सारी रागों की छटा मैंने बताई। एक तो सागा पावा ये मधुमंती, और सागा मा गा सा नी ये पटदीप। सागा मा पा नी सा सा मा गा सा ये मधुकोंश,
और सेकंड अंतरे में दोस्तों किरवानी का भी दर्शन कराऊंगा। देख रहे हैं आप कितनी सारी, और पीलू का मैंने बताया, जरा से होठ हिलाओ, ये पीलू भी दिखती है। पांच रागे मैंने आपको दिखा दिए दोस्तों इस कॉम्प्लेक्स कंपोजिशन में। हेड्स ऑफ टू अरिजीत सिंह हु हैज मेड दिस सॉन्ग सो ब्यूटिफुली ऑर्नामेंटेड दैट इट रिक्वायर्ड सो मच ऑफ रियाज। रियाज मटेरियल है दोस्तों, इस गाने का रियाज जरूर कीजिए। बॉलीवुड बैच में मैं ऐसे गाने दोस्तों सिखाता हूँ। अब आगे देखिए, अब सेकंड अंतरा दोस्तों राग किरवानी में कैसे जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। जो ज्यादा देर तलक दिल ना मुस्कुराएगा। अब देखिए गा गा पा धा 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 धा, अब ये धा कोमल है जो कि मधुवंती में भी नहीं लगता, ना पटदीप में लगता है और ना मधुकोंस में लगता है, तो ये कोमल धा किरवानी का है दोस्तों। अभी नी शुद्ध भी बताऊंगा। गा गा पा धा 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 धा, सा गा म ग सा नी द नी सा नी धा धा सा नी, नी शुद्ध हो गया किरवानी का। दसा नी धनी रे नी धा पा, पंचम संवादी स्वर है किरवानी का। असर दिख रहा है कि नहीं किरवानी का, कमेंट करके जरूर बताएं। अरिजीत सिंह जी का सबसे डिफिकल्ट सॉन्ग टॉप थ्री में अगर हमको रखना है तो ये हम गाने को रख सकते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आयत बिनते दिल चन्ना मेरिया, लेकिन ये टॉप थ्री में डिफिकल्ट सॉन्ग में से आएगा दोस्तों, क्योंकि 11 स्वर के साथ साथ हर एक राग की छवि कब बदल जाती है उसको रियाज करके ही हमको हासिल करना है। तो आप देखिए, आप देखिए दोनों मध्यम का एक साथ प्रयोग, आदाए आदाए सारी, अब आदाए सारी धड़कने की भूल जाएगा, तो आदा आदाए सारी धड़कने, वापस मधुमंती, सागा पा मामा धा धा धनी पानी धा सनी धा पा भूल जाएगा, दिल से कह दो बेवजह हंसने और हसाने लगे। अब देखो सा सा गा मा पा मा ग सा नी हसाने लगे, गम को भी इतनी खुशी दो। अब जो सबसे खतरनाक वाली जो मुर्गी आती है दोस्तों वो देखिए, वो मुस्कुराने लगे मुस्कुराट को भी आने पे, अब देखिए वो मुस्कुराने लगे मुस्कुराहट को भी आने। 11 स्वर का ये गाना पांच रागों की छटा देखी कैरवा ताल पर आधारित था और कितनी कॉम्प्लेक्स तरीके से दोस्तों इसको कंपोज किया गया है। इस गाने का अगर आप रियाज करते हैं दोस्तों आपका गला भी पक्का होगा, और एक राग से दूसरे राग में कैसे जाना है। शुद्ध मध्यम से मधुवंती में हम पटदीप में गए, कोमल निषाद से मधुवंती में हम दोस्तों राग मधुकोंस में गए, कोमल धैवत शुद्ध निषाद के प्रयोग से किरवानी में चले गए दोस्तों, और बीच में हमने राग पीलो का भी असर देखा। तो हैं रियाज करेंगे आप, ऐसा आश्वासन जरूर दीजिए। कमेंट करके और भी बताएं कि आपको अरिजीत सिंह जी के और कौन से गानों पर ट्यूटोरियल चाहिए। ओम शांति।